हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको श्वसन तंत्र के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, है ना। टेंशन ना लो, आप सोच रहे हो श्वसन तंत्र की मैम 50 क्वेश्चंस करवाएंगी और फ्री हो जाएंगे। नहीं, मैंने पाचन तंत्र के सवाल आपको करवा दिए, इसके बाद मैं श्वसन तंत्र के करवा रही हूँ, उसके बाद मैं उत्सर्जन तंत्र के देखेंगे। और टेंशन ना लो, एक बार के लिए सारे टॉपिक्स हो जाएंगे ना, तो क्वेश्चंस का भंडारा है, आपके एग्जाम्स तक कम ख़त्म नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। आपको ऐसे ही एमसीक्यूज़ की सीरीज मिलती रहेगी, बस आपको आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए इन क्वेश्चंस के प्रति। मतलब इन वीडियोस को आप देखोगे और वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करोगे कि मैम ठीक है एमसीक्यूज़ चाहिए और ये चलेगा, तो आगे ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। बाकी मैंने आपको किस टाइम टेबल पर वीडियोज़ मिलेंगी वो बता दी है, ठीक है। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण केंद्र है, आपसे ये पूछा है जो श्वसन है उसका नियंत्रण केंद्र कौन सा है, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेरुरज्जु या प्रमस्तिष्क। तो मैंने श्वसन तंत्र बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ अभी है, बट मुझे इस सीरीज़ पर रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा। थ्योरी क्लासेस मुश्किल से कोई एक का सा बच्चा लेता है, तो मैं अब एक एक घंटे की वीडियो ओनली एक का से बच्चे के लिए खैर मैं कर सकती हूँ, बट कमेंट तो आए ना, तो मुझे आपका इंटरेस्ट दिखाने इसी वजह से ओनली एमसीक्यू सीरीज चलाई है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि मैम आप ओनली एमसीक्यूज करवा दो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आपको मैं गारंटी देती हूँ आपके सवाल ख़त्म नहीं होंगे, मतलब मैं जो सवाल करवाऊँगी ख़त्म नहीं होंगे, पेपर तक कंटिन्यू चलते रहेंगे। बस ये हो सकता है कि अभी जैसे 40 क्वेश्चन करवा रही हूँ तो एंड में आते आते 10 क्वेश्चन पर पहुँच जाऊँ, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत होते हैं इतने सवाल, है ना। अभी जून तो बहुत दूर है ना, पर कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगी। और बाकी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 20-30 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आप पक्का ये देखना, इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में एक बार में ना आए और आपको लगे यार इन क्वेश्चन में डाउट है, तो आप ना कमेंट भी कर सकते हो। बाकी आप मेरे को ना मतलब आप लोग वापस रिपीट मोड पे देख लेना, अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सोचो कि मैंने श्वसन तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर भी कुछ क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हो रहे, तो टेंशन ना लो। 100% क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक को कर लो, उसके बाद भी 100% नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, ओके। तो श्वसन का नियंत्रण केंद्र है अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, प्रमस्तिष्क से मेरुरज्जु, तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है। तो मतलब इसने पूछा है कि जो फुफ्फुस है आपके, फेफड़े हैं, वो कितनी क्षमता रखते हैं। आपको पता है ना कि आपके फेफड़ों का क्या काम है, तो इनकी जो क्षमता होती है वो होती है 4500 ml, मतलब ये 4500 ml जो है वो क्षमता रखते हैं। मायोग्लोबिन पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है, पेशियों में, रुधिर में, यकृत में या पलिहा में। तो जो मायोग्लोबिन है वो पेशियों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। मतलब CO2 की अगर सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने आपको ये चीज़ भी डिटेल में बताई है। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो श्वसन तंत्र अच्छे से देख लेना, और अगर आपको पहले से आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो श्वसन पर ना श्वसन की दर बढ़ जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या श्वसन की दर कम हो जाएगी, या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, तो इसके अंदर श्वसन की दर बढ़ जाएगी। निःश्वसन के दौरान संकुचित होने वाली पेशी है, जब निःश्वसन होता है तो संकुचित होने वाली पेशी कौन सी है, क्लेरिफाइड पेशी, बाह्य अंतरा पुरुषक पेशी, स्केलिन पेशी, या फिर ए तथा बी दोनों। तो इसके अंदर जब निःश्वसन होता है ना, तो इसके अंदर बाह्य अंतरा पुरुषक पेशी जो है वो संकुचित हो जाती है। निःश्वसन और उच्च श्वसन के बारे में मैंने आपको बताया था, जब सांस छोड़ते हैं उसको उच्च श्वसन बोलते हैं, और जब सांस अंदर लेते हैं तो उसको निःश्वसन नाम दिया था। वायुमंडलीय वायु में CO2 का प्रतिशत होता है, ये तो हर किसी को पता होगा, है ना, छोटे क्लास में भी पढ़ते हैं कि CO2 कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0.036%। और हाँ, कोई अगर सोच रहा है कि इस लेवल के सवाल आते हैं क्या, हाँ तो इसी लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट का अवायवीय श्वसन होता है तब श्वसन भागफल होता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट का अवायवीय श्वसन होता है तो आपसे श्वसन भागफल पूछा है, तो एक होता है अनंत होता है, 1.7 होता है, 1.4, तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, अनंत। हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोसाइनिन वर्णक मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, कोडेटा में या इंसेक्टा में। तो जो हीमोसाइनिन वर्णक है वो मोलस्का में पाया जाता है।
मनुष्य में वायु के प्रवेश का सही अनुक्रम कौन सा है? ये अगर आपने अच्छे से टॉपिक समझा है तो आप ये आंसर अच्छे से दे पाओगे कि मनुष्य में वायु के प्रवेश का सही क्रम कौन सा है। तो आपको पता है सबसे पहले वायु कहाँ आती है? नासागुआ में, तो नासागुआ सभी में दे रखा है। उसके बाद में जाती है ग्रशिका में, तो ग्रशिका दो जगह दे रखा है। उसके बाद में जाती है कंठ में, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में श्वास नाल में, फिर श्वसनी में, फिर श्वसनिका और एंड में कुप्पिका। मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम भी एक्सप्लेन करा है। मैं उस सीरीज़ को और कंटिन्यू कर सकती थी और थ्योरी क्लासेस अपलोड करने का इरादा था, पर उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, ना ही उसे लोग देख रहे हैं, क्योंकि सब पता चल जाता है यूट्यूब पर कि आपकी कौन सी वीडियोज़ को कितने लोगों ने देखा है या फिर कैसा उनका रेस्पॉन्स रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब जब आपको मतलब रिटर्न में कुछ मिले ही ना, तो ऐसे एफर्ट्स अकेला इंसान कब तक करेगा, राइट। बाकी अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया दी थी। तो जो वायवीय श्वसन है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया कुहन ने, लोपेलेस ने, क्रेप्स ने या हैंसलेट एवं क्रेप्स ने? तो क्रेप्स ने दी थी। मनुष्य में वसा का श्वसन भागफल क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कार्बोहाइड्रेट का वायवीय श्वसन होता है तब श्वसन भागफल, है ना। तो उसका आंसर तो अनंत आया था, बट आपसे इसमें पूछा है वसा का श्वसन भागफल क्या होता है, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा 0.703। कोशिकीय श्वसन में एटीपी का कुल भाग होता है, तो जो कोशिकीय श्वसन होता है ना उसके अंदर एटीपी का कुल भाग कितना होता है आपसे ये पूछा गया है। तो 24 ATP, 40 ATP, 36 ATP या 2 ATP? तो ध्यान रखना है इसके अंदर 36 ATP होता है। ओटो विलग्न वक्र है, ऑटो विलग्न वक्र है सिग्मोइड, ढलानयुक्त, परवलीय या सरल रेखीय? तो ये मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था जब आपको ये टॉपिक करवाया था कि ऑटो विलग्न वक्र जो होता है वो सिग्मोइड होता है, ठीक है। सिग्मोइड इस टाइप का कर्व होता है, आपने देखा होगा ऐसे वाला कर्व, ठीक है। अवायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितनी एटीपी का निर्माण होता है? तो ये आपको एक रिएक्शन करवाई थी, ये सवाल वहीं से पूछा हुआ है, ध्यान रखना 2 ATP। प्रोटीन का श्वसन भागफल होता है, देखो ये तो याद ही कर लेना कि प्रोटीन का क्या होता है, वसा का क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन का श्वसन भागफल है वो 0.8 होता है। हेल्डेन प्रभाव संबंधित है, तो जो हेल्डेन प्रभाव है किससे संबंधित है? CO2 की मुक्ति से, O2 की मुक्ति से, CO2 व O2 की मुक्ति से, बाइकार्बोनेट निर्माण में। तो हेल्डेन जो प्रभाव है वो CO2 की मुक्ति से है। देखो आप लोगों को क्या करना है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ आप कभी भी कोई सी भी वीडियो देखो एक खाली पेपर लेके बैठा करो, जैसे हेल्डेन प्रभाव है आपने एक पेपर में ऐसे लाइन लिख के इधर लिख दिया हेल्डेन, ठीक है। आपको कुछ भी रामायण नहीं लिखनी है, हेल्डेन इफेक्ट लिख के डायरेक्ट लिखो CO2 की मुक्ति बस, ताकि आप कल को रिवीजन करो तो एक पन्ना देखो और फ्री, ठीक है। अब जब आप वीडियो देख रहे हो 10 मिनट, अपने कीमती 10 मिनट का समय दे ही रहे हो, तो कुछ ऐसा तो लिख करके रखो ना कि लास्ट में आपको रिवीजन में मतलब दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो जाएंगे तब तक, तो आपको इतना तो हो कि चलो ये रिवाइज कर लूँगा, हो जाएगा काम। तो रुधिर में श्वसन गैसों के परिवहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे सही है? तो आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सबसे सही है, राइट। तो इसके अंदर RBCs ऑक्सीजन का परिवहन तथा WBC CO2 का परिवहन करती है, या फिर RBCs ऑक्सीजन का परिवहन करती है किंतु प्लाज्मा केवल CO2 का परिवहन करती है, या फिर RBCs तथा WBCs दोनों ही ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करती है, या फिर जो RBC है तथा साथ में प्लाज्मा दोनों ही ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करती है? ऑप्शन डी करेक्ट है कि जो RBC होती है वो और प्लाज्मा दोनों मिलकर ही ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करते हैं। वायवीय श्वसन करने वाले प्राणी किसके प्रतिशत में अंतर के प्रति सबसे अधिक संवेदी होते हैं? तो वायवीय श्वसन करने वाले प्राणी किसके मतलब ओजोन गैस के या कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, किसके प्रति सबसे अधिक संवेदी होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही हीम के साथ संयुक्त हो जाती है, हो सकती है, किंतु अब आपको इसमें से पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, मतलब कौन सा रीज़न है। CO2 हीम के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, CO हीम के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, दोनों ही स्थायी यौगिक बनाते हैं, CO2 स्थायी यौगिक बनाता है किंतु CO अस्थायी यौगिक बनाता है, तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना कि अगर CO हीम के साथ में स्थायी यौगिक बना लेता है तो फिर उसके बाद में ये मतलब श्वसन क्रिया रुक जाती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत हानिकारक है, अगर गलती से शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई ना तो ये तो बहुत फास्ट जाके यौगिक बनाता है।
निम्नलिखित परिवहनों में से कौन से दो परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों पर जाने से उत्पन्न होते हैं? तो इसमें आपसे पूछा है परिवर्तन, तो लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में, लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि, स्वास्थ्य दर में वृद्धि या थ्रोम्बोसाइट की संख्या में वृद्धि। तो आपसे ये पूछा है कि कौन कौन सी मतलब ऊपर जाने से उत्पन्न होते हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन है करेक्ट है,